स्पोर्ट्स से बड़ी खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी को राजस्थान आने का न्योता, जुलाई के तीसरे सप्ताह में आ सकते हैं राजस्थान। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, राजस्थान कांग्रेस ने दिया है न्योता, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता दिया गया। जुलाई में कांग्रेस के बड़े सम्मेलन के लिए समय मांगा गया है। हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, क्या ये माने कि न्योता इसलिए दिया गया है कि बीजेपी तो अपनी शुरुआत कर चुकी है, अब कांग्रेस से भी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो ऑफिशियली शुरुआत हो चुनाव के प्रचार की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने विजेंद्र, की चुनावी शंखनाद करने राहुल गांधी राजस्थान आएंगे और शंखनाद होगा तकरीबन 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी उस दौरान रहेगी। एक तरह से कहा जाए तो एक पूरी जो व्यू रचना बनाने की जो रणनीति है उसमें ये तय किया गया कि राहुल गांधी जिस सम्मेलन में आने की जो बात की जा रही है उसको एक बड़ी जनसभा का रूप भी दिया जाए जी। मंडल बूथ कार्यकारिणियां तब तक कांग्रेस की पूरी तरह तैयार हो जाएंगी, ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणियां तैयार हो जाएंगी, तो एक पूरे राजस्थान भर में तकरीबन 9-9.5 लाख के आसपास कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वो फौज होगी जो चुनाव में काम करेगी। अब किस तरह से इसको एक्टिव करना है, एक बड़ा सम्मेलन, बड़ा कार्यक्रम, राहुल गांधी इस कार्यक्रम के जरिए राजस्थान में चुनाव का बिगुल बजाएंगे, तो कहा जा सकता है कि औपचारिक आमंत्रण मुझे लगता है जो 3 तारीख की प्रस्तावित बैठक है कांग्रेस पार्टी की, उसमें राजस्थान की कांग्रेस के संगठन और सत्ता दोनों मिलकर अशोक गहलोत रहेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा, रंधावा, ये सब एक औपचारिक आमंत्रण राहुल गांधी को देंगे और मुझे लगता है उसी दिन तय हो जाएगा कि राहुल गांधी का राजस्थान का दौरा क्या होगा। राहुल गांधी इसी दौरे में चुनावी शंखनाद करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी राजस्थान आए थे जी। और एक बड़ा हिस्सा राजस्थान के 5 जिलों से वो निकले थे और कहा जा सकता है कि उस दौरान उन्होंने राजस्थान के सियासी नब्ज को पहचाना था, जांचा था और अब ये दौरा होगा ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला होगा, जोश पैदा करने वाला होगा और चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को एक शुरुआत देनी है वो काम राहुल गांधी के दौरे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वाकई में राहुल गांधी के अंदर काफी बदलाव आया और वो जनता से सीधा कैसे जुड़ा जाए ये बखूबी समझने लगे हैं और उनके बयानों में भी एहसास होने लगा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।